लगातार पटना की स्थिति लगातार दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ डायरिया, दूसरी तरफ 3000 से ऊपर डेंगू, और सरकार की नीयत अभी तक सही नहीं है। कहीं भी सरकार का कैंप चालू नहीं हो। दूसरी तरफ बाईपास से लेकर के फुलवारी शरीफ, बैंक कॉलोनी, गोला, दानापुर के बीच में पानी अभी भी 5 से 7 फीट लगा हुआ है। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। और तीसरी तरफ नगर निगम जो गंदगी है उसको गलत तरीके से एक जगह जमा करके लोगों के घर के आगे में रख देती है, जिसके चलते कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पटना के लगभग 60% मोहल्ले में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग अपने बच्चे, अपने परिवार के बीमारी से परेशान हैं, और दूसरी तरफ नगर निगम और पदाधिकारी गंदगी को एक जगह किसी न किसी के घर के आगे में लगातार जमा करके छोड़ दे रहे हैं। मैं सरकार से बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूँगा, और ख़ासतौर पर नगर निगम और पटना के कमिश्नर से, नगर निगम के कमिश्नर से, कि आप 24 घंटे के अंदर पटना के लगभग मोहल्ले से जितनी भी गंदगी इस नर्क के बाद जो निकली है और जिसको आप लोगों के घर के आगे में डंप करते जा रहे हैं, यह पटना के आम आवाम के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आप या नहीं तो उसे वहाँ से हटाकर तुरंत पटना से दूर किसी ऐसे जगह डंप करें जहाँ आपने इसकी व्यवस्था की है। यदि 24 घंटे के अंदर आपने यह व्यवस्था नहीं की, तो जिस दिन मैं पटना आऊँगा 24 घंटे के बाद, आते ही सारे गंदगी को ट्रैक्टर हो या जेसीबी हो, जिससे भी होगा, मैं उठाऊंगा और कमिश्नर और नगर निगम के पदाधिकारियों के घर के आगे में मैं चौंक दूंगा। इसके लिए मैं दोषी नहीं होऊंगा। यदि आप 24 घंटे का, मैं अल्टीमेटम आपको दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर पटना की गंदगी, पटना का कचरा यदि आप पटना से बाहर नहीं किए, तो हमारा जेसीबी, हमारा ट्रैक्टर, हमारे लोग सीधा कमिश्नर नगर निगम, कमिश्नर पटना और अन्य पदाधिकारियों के घर के आगे में रख देगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज 24 घंटे के बाद हम नहीं करेंगे।